हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 1 से लेकर 50 तक के लिए कुछ रेवोल्यूशन बॉम्ब देख चुके हैं। बहुत ही क्लियर वे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब उसके बाद 50 के ऊपर हम बात करते हैं, रेवोल्यूशन नंबर 10 के बाद से, है ना। जैसे रेवोल्यूशन 10 में क्या है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है ना, तो वो माइनिंग बोर्ड द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, आप ये बताइए पहले। माइनिंग बोर्ड में जो बैठते हैं तो जिस कॉम्पिटेंट पर्सन की क्या उम्र होगी, 20 ईयर्स होगी। बैठने के लिए भी उसमें भी एग्ज़ाम बैठने के लिए भी 20 ईयर्स ही है, ठीक है। तो 51 का ए हो जाएगा, ठीक है। 52 में क्या, बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड होता है। तो आपने देखा होगा मेडिकल सर्टिफिकेट हम किसी भी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के लिए या फिर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, ये सब चीज़ें हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन 1 साल तक वैलिड होता है, 1 साल तक वैलिड होता है। 52 हो गया ना। 53 देख लेते हैं। 53 क्या दे रहा है, माइनिंग बोर्ड द्वारा ओवरमैन माइनिंग सर्वेयर किसी परीक्षा की तारीख एग्जाम के कितने दिन पहले प्रकाशित की जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 60, रेगुलेशन नंबर 13, ठीक है। इसका 60 हो जाएगा। बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा में शामिल होने कम से कम कितने दिन पहले फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब आपका दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 13 में दिया हुआ, ठीक है। पूरा उसके बारे में बताया गया। तो उसका क्या हो जाएगा, 54 का क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग का कब बनता है। इसका 60 डेज होगा। एग्ज़ाम कितने दिन पहले प्रकाशित होगा, 60 दिन पहले, और फॉर्म भी भरा जाएगा 60 दिन पहले, आपको परीक्षा में शामिल करने के लिए 60 दिन पहले ही भरे जाएंगे। फिर माइनिंग बोर्ड में चेयरमैन समेत कितने सदस्य होते हैं, बताइए। 6 सदस्य होते हैं, 5 नहीं होते, चेयरमैन को मिला के 6 सदस्य होते हैं माइनिंग बोर्ड में, ठीक है। 55 हो गए ना। उसके बाद माइनिंग बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, माइनिंग बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 साल का, 3 ईयर्स। देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे माइनिंग बोर्ड के सदस्य कितने होते, 6 होते हैं, ठीक है। कार्यकाल क्या होगा, 3 होगा, डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, हाफ कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा ट्रिक लगा के याद करना आप लोग को, और कुछ नहीं करना। माइनिंग बोर्ड में शामिल होने के पहले होने वाले व्यक्ति को बैठ कर एक्सपीरियंस अनुभव कितने वर्ष का होगा, जो माइनिंग बोर्ड में जो सदस्य होते हैं व्यक्ति को बैठ कर एक्सपीरियंस कितने साल का होगा, है ना। 57 है ना, तो 2 साल का होता है, ठीक है। 2 साल का होता है, 3 साल का नहीं होता है, 2 साल का होता है। और कितने, कम से कम कितने सदस्यों में बोर्ड की बैठक हो सकती है, 3 लोगों की, है ना। 58 कहाँ है, पानी बोर्ड की मीटिंग मैक्सिमम किस जगह पर होगी, बताइए। तो ये होती धनबाद में, TGMS का मेन ऑफिस वही है, मीटिंग मैक्सिमम धनबाद में ही होती है, ठीक है। 58 है ना। 59 के ओमान बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, सीधी सी बात है, बताइए। चीफ इंस्पेक्टर भाई, DGMS डायरेक्टर, वही है, वही सब चीज माइनिंग बोर्ड में, वही है सब चीज़। माइनिंग बोर्ड की मीटिंग से कितने दिन पहले चेयरमैन अपने सदस्यों को सूचित करेगा, बताइए। माइनिंग बोर्ड की मीटिंग से कितने समय पहले चेयरमैन अपने सदस्यों को सूचित करेगा, 10 डेज पहले, ठीक है। इमरजेंसी मीटिंग 2 दिन पहले बैठाते हैं, 10 दिन पहले सूचित किया। यदि माइनिंग बोर्ड की मीटिंग इमरजेंसी में की जाती है तो चेयरमैन अपने सदस्य को मीटिंग सूचना कितने समय दिन पहले देगा, 2 डेज, अभी बताया ना जस्ट मैंने। रेगुलेशन नंबर 10, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। 62 देखेंगे। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त स्टूडेंट को फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास मैनेजर एग्जामिनेशन पास करने के लिए कितने वर्षों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बताइए। फर्स्ट क्लास में 5 साल का, सेकेंड क्लास में 4 साल का, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग,
एक लाइन वाइज मैं एमसीक्यू टाइप बनाया हूँ, आप लाइन वाइज ऐसे जैसे सामने लिखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए एक्सपीरियंस, तो 5 या 4 साल ऐसे करके सीधे लाइन वाइज लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे रिवीजन करेंगे तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, मैं भी गेट के भी एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाला हूँ, अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखूँगा, कुछ आपको भी नॉलेज दूँगा जो मैं मेरे से हो पाएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, लगता है तो सब्सक्राइब करिए चैनल, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन है तो मैं नंबर प्रोवाइड करूँ, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इंस्टा से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 63 देख लेते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त स्टूडेंट फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए कम से कम कितने फर्स्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना होगा? ये होगा 2 साल का, जब डिग्री प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद क्या। ठीक है, क्योंकि डिग्री करेंगे तो भाई सेकंड क्लास, 1 साल करेंगे सेकंड क्लास, फिर 1 साल करेंगे तो फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है, कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए बताइए, लगाइए थोड़ा दिमाग। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से है ना, वो हो जाएगा 6 और 5 साल, 3 साल करते तो मानी सरदार बनता है ना, आप लोग देखे होंगे कई लोग ऐसे प्राइवेट में काम करते 3 साल करते हैं उसके बाद मानी सरदार हम एग्ज़ाम दे देते हैं, हो जाता है। 65 देख लेते हैं, डिप्लोमा डिग्री प्राप्त स्टूडेंट को सर्वेयर एग्ज़ाम में बैठने के लिए कितने समय का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बताइए इसका आंसर। 65 को ना 6 मंथ, सर्वेयर के लिए 6 मंथ। 66 क्या है, सर्वे एग्जामिनेशन प्राप्त करने पास करने के लिए कम से कम कितने वर्षों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्वे एग्जाम जो पास करते हैं बताइए। 2 साल का है, 2 साल। डिप्लोमा प्राप्त माइनिंग स्टूडेंट को माइनिंग सतह परीक्षा प्राप्त करने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके लिए 1 साल का, 1 साल का प्रैक्टिस। देखिए डिप्लोमा करेंगे 1 साल एक्सपीरियंस लेंगे, पीडीपीटी बोलते हैं पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, 1 साल एक्सपीरियंस लेंगे उसके बाद आप मेडिकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा के आप डीजी में उसको दे दीजिए, सर्टिफाई कर देगा आपको और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा माइन सदर। ठीक, माइन सदर परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम कितने वर्षों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, अभी तो बताया 3 साल, तीन साल ही है। ठीक है, इंजन ड्राइवर सर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम कितने वर्ष का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना होगा? 1 साल होगा ना, ये हो जाएगा। किसी व्यक्ति को माइनिंग एग्जाम गैस माइनिंग माइनिंग सरदार ओवरमैन पास करने के लिए कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, नहीं 7, जितने भी बोर्ड सर्टिफिकेट ग्रांट करता है 7 सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। ठीक है, 7 में 7 अटैम्प्ट मिलते हैं सब में, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अपन 7 बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, भारत के अलावा दूसरे देशों माने का काम किए व्यक्ति को भारत में माने जाएगा सर्टिफिकेट लेने के लिए कम से कम कितने समय का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 मंथ का। ठीक है, थोड़ा तो मिलेगी प्रायोरिटी ना यार, 6 मंथ में हो जाएगा काम। माइंस में काम करने वाले व्यक्ति मानी सदर ओवर मैन इंजन ड्राइवर किसी के पास अपना सर्टिफिकेट किसके पास जमा करेगा, भाई मैंने माइंस है ना, माइंस मैनेजर के पास ही पूरा सबको मिलता है ना, टोकन मिलता है प्रोवाइड होता है, जो जो सर्टिफिकेट जमा होते हैं सबको टोकन प्रोवाइड मिलता है, मैनेजर टोकन देता है। ठीक है, 73 क्या, कोई भी व्यक्ति जैसे ऑफिशियल व्यक्ति जैसे मैनेजर माने सदर ओवर मैनेजर इंजन ड्राइवर का माइंस में मैक्सिमम कितने वर्ष तक काम कर सकता है, देखिए एज बढ़ गई है। ठीक है, 60 से 70 हो गई है, 70 मैक्सिमम एज है, कंफ्यूज हो मत होइएगा, 70 मैक्सिमम एज है। ठीक है,
यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की एज के बाद माइन में काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कितने कितने समय के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा? तो इसका आंसर होगा 1 साल। ठीक है, 1 साल हो जाएगा। हर एक साल में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा भाई, स्वास्थ्य की नहीं है। 60 वर्ष के बाद वैसे भी यूज वो नहीं है, पर अब एज बढ़ गया है ऑफिशियल्स के लिए, 60-70 हो गया है। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की एज में पहले या उसकी उसकी शारीरिक स्थिति से ठीक नहीं है, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर व्यक्ति का कितने दिनों के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा? तीन मंथ होगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। 76 के मैनेजर की उम्र होगी 23 ईयर्स, कम 10% 20, मैनेजर की उम्र 23 है ना, ओके। 77 क्या है? यदि किसी ओपन कास्ट माइन में एक महीने में 20,000 मीटर की पर मंथ ओबी हैंडल किया जाता है तो व्यक्ति मैनेजर के पास सर्टिफिकेट होगा। 20,000 ना, कितना होगा इसको? जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, उससे कम रहेगा सेकंड क्लास हो जाएगा। मैनेजर अपना रेजिग्नेशन किससे देगा? 27 नंबर है ना, रेगुलेशन है, मैनेजर किसको देता है रेजिग्नेशन? एजेंट को देगा, ये हो जाएगा। मैनेजर को होम रेसिडेंस माइन से कितनी दूरी पर होना? देखिए, सबका मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सबका 5 किलोमीटर के अंदर ही प्रोवाइड करना होगा, रूल है। ठीक है, 80 क्या होगा? एक मैनेजर किन्हीं 2 माइंस में लिए, मतलब एक मैनेजर 2 माइंस के लिए कितने दिनों तक नियुक्त किया जा सकता है? रेगुलेशन नंबर 27 बताए, इसका होगा 12 मंथ, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 81 क्या है? यदि किसी माइंस का मंथली प्रोडक्शन 5,000 टन है तब उस माइंस में मैनेजर के पास सर्टिफिकेट होगा, इसका क्या होगा? इसका भी फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा ना, आप पढ़े होंगे 5,000 टन। ठीक है, यदि किसी माइंस का मंथली प्रोडक्शन में ये सब प्रोडक्शन की एक अलग से नोट्स बना के मैं आपको सिर्फ सभी के प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कितने क्यूबिक मीटर टन्स वगैरह में किसकी कितने फर्स्ट क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा, कौन असिस्टेंट मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन, सबका। ठीक है, एक अलग से बना के आपको बता दूंगा मैं। 82 क्या है? यदि किसी माइंस का मंथली प्रोडक्शन 1500 है तो उस माइंस में मैनेजर के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बताइए बताइए। इसके लिए सेकंड क्लास चल जाएगा, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कुछ भी चल जाएगा ना, दोनों चल जाएंगे। बी होगा उसका आंसर, 82 का बी होगा। ठीक है, 83 क्या? माइन में सेफ्टी से संबंधित काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किसकी होगी? सेफ्टी ऑफिसर है, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा। ओपन कास्ट माइन में कितने से अधिक को भी हैंडल करने पर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा? 84 आपने पढ़ा नहीं क्या? इसका क्या होगा? 20,000 क्यूबिक मीटर, सेफ्टी ऑफिसर 20,000 क्यूबिक मीटर में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 85 का, यदि किसी माइन का मंथली प्रोडक्शन 15,000 टन या उससे ज़्यादा है तब कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति को सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा? इसका फर्स्ट क्लास मैनेजर ही हो जाएगा। ठीक, अंडरग्राउंड माइन में कितने टन कोल प्रोडक्शन होने पर सेफ्टी मैनेजर नियुक्त किया जाएगा? सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर नहीं होगा ब्रो, मैनेजर होगा सेफ्टी, 5,000 टन है ना, सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त होता है अंडरग्राउंड में 5,000 टन पे, ओपन कास्ट में 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ में होता है ना, तो ये सेफ्टी मैनेजर नहीं है, सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त होता है 5,000 टन पे। 86 का, मैनेजर फर्स्ट डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जिस माइंस का मंथली प्रोडक्शन कितना टन होगा, बताइए। वेंटिलेशन ऑफिसर का कितना होता है?
5,000 टन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 88 क्या है, सेकेंड या थर्ड डिग्री में वेंटिलेशन ऑप्शन युक्त किया जाएगा जिसका मंथली प्रोडक्शन कितना है उससे अधिक होगा, कितना होगा इसका, होगा 2,500 टन, इसका 2,500 टन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड डिग्री में, फर्स्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा चलता है, माइंस में इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा जहाँ इलेक्ट्रिक कितना वोल्ट से अधिक यूज होती है, तो इसका 650 वोल्ट हो जाएगा। 650 देखिए इंजन जो इलेक्ट्रिक इंजन इंजीनियर होता है वो नियुक्त होता है 650 वोल्ट पावर से ज़्यादा यूज होगा तब, या फिर 1.5 मेगावाट एम्पीयर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाएगा तब, तब हो जाएगा। उसके बाद किसी माइन में इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी, ये देखिए 1.5 मेगावाट एम्पीयर है उससे अधिक है तो, ठीक है। ओपन कास्ट माइन में इंजीनियर की नियुक्ति जहाँ कितने हॉर्स पावर से अधिक की मशीन HEMM यूज़ की जाती है, कितना होगा 1500 है ना, 1500 हॉर्स पावर से ज़्यादा, 1500 हॉर्स पावर से ज़्यादा की जो मशीनरी यूज़ की जाएगी तब, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये न्यू जोड़ गया ना, ठेकेदारों की जिम्मेदारी जो रहती है कौन से रेगुलेशन के बेसिस पे है बताइए, रेगुलेशन नंबर 39 कितना 39 ना, और 38 किसका है, 38 में है सप्लायर मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर का, ठीक है। ओके 93 के अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाला मैनेजर एक वीक में कितने दिन वर्किंग फेज पर जाएगा, 4 दिन ब्रो, ये सब नॉर्मल से चीज़ें हैं, इसको पढ़ के रखिए। नाइट शिफ्ट मैनेजर एक वीक में कितने बार अंडरग्राउंड इंस्पेक्शन करेगा, पहली बार तो फोर्टनाइट में जाता है ना, तो कितना होगा 94 का, एक हो जाएगा, फोर्टनाइट में जाता है ऑलरेडी, ऐसे भी एक वीक में एक भी बार जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में मटेरियल की कमी होने पर नेजर कितने दिनों के अंदर मटेरियल उपलब्ध कराएगा, कितना होगा इसका, 3 डेज के अंदर उपलब्ध कराएगा। इमरजेंसी प्लान बनवाने की जिम्मेदारी होगी किसकी होती है, इमरजेंसी प्लान कौन बनाता है ब्रो, सेफ्टी ऑफिसर, इमरजेंसी प्लान है ना, ओके। 97 के फेज में कितने मीटर तक वाटर सब स्प्रे किया जाएगा, 90 मीटर को, 90 मीटर तक वाटर स्प्रे किया जाएगा। फैन की एफिशिएंसी कितने महीने में एक बार चेक किया जाएगा, फैन की एफिशिएंसी 3 मंथ में, 90 डेज में, ठीक है, 98 हो गया ना। उसको क्या एयर सैंपल का एनालिसिस कितने घंटे में होना चाहिए, एयर सैंपल कितने घंटे में एनालाइज होता है, एनालाइजिंग होती है बताइए, 99 है ना, 48 आवर्स है, ठीक है। और ड्यूटी इज ओवर मैन किस रेगुलेशन में दर्शाया गया, नीचे लिखा रेगुलेशन नंबर 47, ओके। चलिए कंप्लीट करते हैं, देखिए मैं आपको आंसर इसलिए टिक करके नहीं देता हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आप जो MCQ है, देखिए आंसर पेपर में भी MCQ ही आता है, उसमें आंसर नहीं लिख के आता, जब आप इसको देखेंगे आप पढ़ेंगे खुद से दिमाग लगाएंगे, क्योंकि भाई आप लोग भी कई लोग ऐसे हैं कि दो दो तीन तीन साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नहीं निकल रहा, एक एक दो दो चार चार नंबर से रुक जा रहा है, सिर्फ आप रिविज़न करिए, CMR उठाइए, बुक पे लीजिए एक, या फिर नोट्स बनाइए, एक हाईलाइटर लीजिए, बुक लीजिए CMR की, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा पहली बार एक बार पूरा लगा लीजिए, हाईलाइटर कर लीजिए, ठीक है, हर एक लाइन में जहाँ भी आपको लगता है, फिर उसको आप रिपीट 10 बार पढ़िए, मंथ एक मंथ लीजिए ना, 10 बार पढ़िए ना आप, एक ऐसा हो जाएगा कि आपको एक दिन में भी नहीं लगेगा आपको पूरा कंप्लीट करने में CMR, आप उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। जैसा भी होगा आप कमेंट करिए, बताइए आपको किसी चीज़ में दिक्कत होता है,
मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इस पर देखिए, आप MCQ बनाए हो तो MCQ टाइप बताऊँगा ना, आप क्वेश्चन बताऊँगा, आंसर बता दूँगा, ठीक है? अगर मतलब मैं करेक्ट बताऊँगा, आप पढ़िए पहले, पहले पढ़िए फिर यहाँ आइए, तो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आंसर करेक्ट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आया हो आपको हमारा ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ओके, शेयर भी कर दीजिएगा अपने माइनिंग दोस्तों को। चलिए, गुड नाइट।